हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स बनाने की रेसिपी। चलिए फिर देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। देखिए, मैंने पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए 4 बड़े साइज़ के आलू को उबाल कर उससे मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, हाफ लेमन का जूस, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1.5 चम्मच राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। अब मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पहले भी चिल्ली फ्लेक्स ऐड किया हुआ है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप ब्रेड क्रम्स। मैंने 2 ब्रेड को ब्राउन करके इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आइए जब तक मैं स्लरी तैयार कर लेती हूँ। देखिए, मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर स्लरी तैयार करूँगी। मैंने 2 चम्मच के करीब पानी इसमें ऐड किया है। देखिए, स्लरी तैयार है। देखिए, मैं यहाँ पे 1 कप ब्रेड क्रम्स ली हूँ। मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून कटी हुई लाल मिर्च। मैं यहाँ पे 4 ब्रेड को ब्राउन करके ग्राइंड की हुई हूँ। देखिए, अब 30 मिनट हो गया। मैं इसे फ्रिज से निकाल ली। अब मैं इस पर थोड़ा सा तेल डाल दूँगी और इसे एक बार अच्छे से मिला दूँगी। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए। आइए हम पोटैटो बाइट्स तैयार कर लेते हैं। देखिए, मैं हाथों पे पहले अच्छे से तेल लगा लूँगी और मैं इस तरह से इसे रोल करती जाऊँगी। आप जैसा शेप पसंद करते हैं आप वैसा शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो हाथों से इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से रोल करके इसे चाकू से कट कर लूँगी। देखिए, इस तरह से। अब मैं इस तरह से सारे पोटैटो बाइट्स रेडी कर लूँगी। आइए अब मैं इसे कोट कर लेती हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले इसे स्लरी में डिप करूँगी। इसे मैं चारों तरफ अच्छे से लगा दूँगी। अब मैं इसे डालूँगी ब्रेड क्रम्स में। मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छे से डालूँगी। अब मैं हाथों से दबाकर ज़रा इसे अच्छा सा शेप दे दूँगी और इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए, मैं इस तरह से सारे पोटैटो बाइट्स रेडी कर लूँगी। आइए अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके सारे पोटैटो बाइट्स ऐड करूँगी और मैं इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी।
अब आप देख सकते हैं ये गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और मैं इसी तरह से सारे पोटैटो बाइट्स रेडी कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं यम्मी टेस्टी पोटैटो बाइट्स रेडी है और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी है। और आपने देखा ही इसे बनाना कितना आसान है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।